वो तो डेफिनेटली जारा का स्वेटर है, थोड़ी सी ना ड्रॉप स्लीव्स वाला पैटर्न दे रहा है। जैसे बहुत ही फालतू सी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड जैसा कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये है स्वेटर्स का हॉल पार्ट टू। मैं एक वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती थी इसलिए मैंने दो पार्ट में कर दिया। एंड क्योंकि बाल खुले खुले इतने उलझ रहे थे एंड बहुत ऑयली हो पड़े थे तो इसलिए ये पोनी टेल भी बांध ली। बहुत ही फालतू सी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी जानने की, बट या तो करते हैं ये हॉल स्टार्ट। एंड इफ यू वॉचिंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस स्वेटर का हॉल पार्ट वन भी देख लीजिएगा सो दैट अगर आपको उसमें से भी कोई पसंद आए तो आप बाय कर सके आराम से विदाउट टाइम वेस्ट किए। हम ये हॉल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इस हॉल का जो मेरा मतलब फेवरेट स्वेटर है, वन ऑफ द वो है। सो स्टार्ट करते हैं इस हॉल का जो मेरा फेवरेट स्वेटर है वो ये पाउडर ब्लू कलर का स्वेटर है। बहुत ही प्यारा स्वेटर लगा था मुझे ये, मैं बताऊंगी कि क्यों। एंड इसका प्राइस है 1799 एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 359 रुपीज। सो बहुत ही प्यारा सा ऐसे वी नेक स्वेटर है ये। एंड इसकी जो स्लीव्स है ना वो ऐसे थोड़ी सी काइंड ऑफ फ्लेयर्ड है, बहुत ज्यादा नहीं। एंड आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज ऑफ इट्स नेक एंड स्लीव्स। और प्राइस की तो फिर क्या ही बात करें, वो तो बहुत ही ज्यादा सही प्राइस में मिला था मुझे। रोडस्टर ब्रांड से, रोडस्टर ब्रांड का मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, कि इसके जो स्वेटर्स एंड स्वेटशर्ट्स हैं आजकल बहुत ज्यादा क्यूट आ रहे हैं। एंड कलर तो मतलब बहुत ही प्यारा है, साइज इसका एकदम परफेक्ट है। तो नीचे आपको अच्छा मस्त ऐसे फ्रिली सा लुक मिल जाता है, प्लेटेड सा मुझे काफी अच्छा लगा था ये लुक। एंड नीचे भी रिब्ड है ना तो आराम से स्ट्रेचेबल है काफी, आपको अच्छे से आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट नहीं आएगा वेस्ट से, विच इज अ थिंग आई लाइक। एंड काफी प्यारा स्वेटर है, डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी मैं। और सी कितना प्रीटी है, बहुत ही प्रीटी है। सो दिस वन गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय एंड, जैसा देखा था वैसा ही आया एंड आई रियली लाइक दिस वन। उसके बाद जो स्वेटशर्ट है वो ये प्रिटी मल्टी कलर सा स्ट्राइप स्वेटशर्ट है, ये भी रोडस्टर ब्रांड से। इसका प्राइस इज 1599 एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 390 और 380 समथिंग। काफी ज्यादा अच्छा लगा था, ये भी मैंने एक्सेल में लिया है। एंड मुझे ना ये देखने में लगा था कि थोड़ा सा मोटा सा होगा बट ये मीडियम सा आया है, मतलब बहुत ज्यादा मोटा नहीं पर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, काफी ठंड रोक लेगा। एंड इसमें जो मुझे इसमें मेनली इसके कलर्स बहुत पसंद आए थे, ये जो व्हाइट में उन्होंने ब्लैक देन पिंक एंड पर्पल जो सारे स्ट्राइप दिए ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आई होप सो आप देख पा रहे हो, पिक एंड ऑल मैं आपको डाल ही दूंगी। एंड राउंड नेक है इसका प्रिटी सिंपल सा एंड यहाँ पे आपको आगे भी स्लीव्स में पूरा ये स्ट्राइप मिल जाता है। स्ट्राइप तो इतना ज्यादा ही नहीं, अभी मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा ऑप्शंस H&M वगैरह में भी आपको अवेलेबल रहते हैं। उसका मैंने एक स्वेटशर्ट लिया भी है जो कि आपको अपकमिंग हॉल्स में दिखेगा। एंड ये काफी अच्छा ना वाइब्रेंट सा लुक दे रहा था बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्न, जो भी स्ट्राइप लुक है ना काफी कूल लग रहा है, मतलब ये आप कितनी तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस वन टू, मैं तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी। एंड देख सकते हैं आप पास से कितने प्यारे कलर्स हैं। जनरली जो मैं मल्टी कलर मैंने देखे हैं एंड मैंने अर्बैनिक आजियो से भी लिए थे, वो मोटा मोटा स्ट्राइप्स रहता है ना तो वो प्रॉपर ऐसे मल्टी कलर वाला लुक देता है। इसमें व्हाइट एंड ब्लैक का भी मिक्सअप था ना तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था एंड इसलिए मैंने ये वाला खरीद लिया। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी क्योंकि बजट में है, काफी अच्छा है। अगर आपको 500 तक का भी मिल रहा है ना तो भी काफी बढ़िया बिकॉज कपड़ा इज प्रिटी थिक एंड आपका आराम से ठंड वगैरह रोकेगा। एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई मल्टी कलर में तो ये वाला आप ऐसा ले सकते हैं। उसके बाद जो स्वेटशर्ट है ये व्हाइट कलर का मैंने मस्ट एंड हार्पर से स्वेटशर्ट लिया है एक्सेल साइज में एंड इसका जो प्राइस है 1699 है एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 650। सो अगर स्वेटशर्ट की बात करें तो काफी कूल सा वाइब दे रहा है, इसमें पीछे लिखा हुआ है क्रिएट MNH आउटडोर्स एंड काफी कुछ वेलनेस वगैरह का कोट लिखा हुआ है। काफी अच्छा लगा था मुझे ये, थोड़ा डिफरेंट सा लगा था एंड कलर तो प्योर व्हाइट है। व्हाइट लेने से मैं बहुत डरती हूँ बिकॉज मैं इतनी क्लमजी हूँ ना कि मुझे लगता है व्हाइट पे कुछ ना कुछ गिरा दूंगी, बट एक मुझे चाहिए था विंटर में अपने कलेक्शन में। इसका जो कपड़ा है ना बहुत कंफर्टेबल है, जैसे स्वेटशर्ट मुझे पसंद है ना वैसा ही कपड़ा है इसका, एकदम पतला सा बट एट द सेम टाइम आपकी हल्की फुल्की ठंड सी रोक लेगा। सो ये कॉटन एंड पॉलिएस्टर मिक्स है और पता चल रहा था मुझे एक्रिलिक नहीं है ये बिकॉज ये लाइट है। ग्रेट आउटडोर्स करके लिखा हुआ है, सॉरी वो ग्रेट आउटडोर्स लिखा हुआ था, क्रिएट नहीं, यहाँ पे भी आपको ऐसे ग्रेट आउटडोर्स लिखा है। मुझे काफी अच्छे लगते हैं जो कभी कभी आजकल ऐसे पैटर्न्स मैं बहुत देखती हूँ, आगे थोड़ा सा कोट लिखा होता है देन पीछे पूरा फुल ऐसे कोटिंग सी होती है, वो मुझे अच्छी लगती है। सो ये भी मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लगा, अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं ना व्हाइट में तो आप ले सकते हैं, ये बहुत लाइट है एंड आप बहुत ज्यादा कुछ मोटा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप ये वाला। एंड आपको लेयरिंग के लिए भी कोई चाहिए ना, लाइक अभी नीचे पहन लें ऊपर अगर आप जैकेट पहन लेंगे तो
डेफिनेटली आप ये वाला ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, प्राइस वाइज भी काफी अच्छी क्वालिटी है, लाइक आपको मिल रही है क्वालिटी, अगर 650 का मिल रहा है, इवन 700 का भी मिल रहा है तो मैं ले लेती बिकॉज क्वालिटी इज प्रिटी। व्हाइट कलर है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं भी बहुत ज्यादा गिराती हूँ चीजें, बट विंटर्स में जो स्नोई सा लुक देता है ना व्हाइट कलर, उस वाइज काफी अच्छा लगता है, इसलिए भी मैंने बाय किया है, एंड दिस वन गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई हैंड। उसके बाद मैंने ये कार्डिगन लिया जो कि पता नहीं क्यों मुझे अब आर्ची जैसी वाइब दे रहा है, आई डोंट नो। 1599 इसका प्राइस है, आई गॉट इट फॉर अराउंड 352। ये ऐसा ही ना सेम मैंने व्हाइट एंड लेवेंडर कलर में लिया था, एंड ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, इसमें आपको व्हाइट कलर में से लेस जैसा मिल रहा है नेक में, बट इसमें आपको स्ट्राइप पैटर्न मिल रहा है लाइक मेहरून में ब्राउन कलर में, एक्सेल साइज में मैंने लिया है, एंड ये भी अच्छा लगा मुझे, तो लाइट है, जैसे ऑफिस वगैरह में नहीं होता है अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको जस्ट ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए जो आप आराम से पहन सके, देन गर्मी लग रही तो उतार सके, बहुत ही बेढंग सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑफिस में ना ऐसी चीजें चाहिए होती है लेयरिंग करने के लिए, अगर ज्यादा ठंड हो जाए तो उस वाइज मुझे कार्डिगन्स बेस्ट ऑप्शंस लगते हैं, मैं तो लेती ही हूँ अपने हॉल में, लाइक आज ही से भी लिया था मैंने, लास्ट हॉल में भी आप देखेंगे और इसमें भी मैंने ये लिया है। ये थोड़ा सा क्रॉप पैटर्न में लिया है ना तो मेरे को ठीक साइज का आएगा, बिकॉज मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ और अगर ज्यादा लंबा कार्डिगन ले लो तो वो कुछ ज्यादा ही लेंदी सा हो जाता है, बट इसकी लेंथ काफी बढ़िया है एंड कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा प्यारा मेहरून सा कलर है जो काफी फ्लैटरिंग लग रहा है, एंड आगे आपको ऐसे रिप्ड स्लीव्स मिल जाएंगी, थोड़ी सी आपको यहाँ पे ऐसे पफी सी स्लीव्स मिल रही है तो उससे ये डिफरेंट है, उसमें आपको ऐसे पफी स्लीव्स बहुत ज्यादा नहीं थी बट इसमें है, एंड इसलिए मैंने ये वाला लिया, सेम नहीं लिया मैंने, जो कि मैं ले लेती हूँ, आई डोंट माइंड इट एक्चुअली बिकॉज डिफरेंट लगते हैं अगर कलर अलग ले लो, बट ये उस वाइज बट ये थोड़ा अलग है, पैटर्न बहुत प्यारा है एंड बहुत लाइट वेट है, आप डेफिनेटली ये वाला बाय कर सकते हैं अगर आप कुछ ऐसे कलर में ढूंढ रहे हैं, बिकॉज ये बटन एंड ऑल ना काफी ओल्ड स्कूल वाइब दे रहा है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इट स्लीव फैंसी सा भी लग रहा है, सो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस वन, चूंकि मैं हर स्वेटर के लिए कह रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं बहुत ढूंढ ढांड की चीजें खरीदती हूँ तो मुझे अच्छी लगती हैं चीजें। उसके बाद जो मैंने स्वेटर खरीदा है वो तो डेफिनेटली ज़ारा का स्वेटर है। स्वेटर की बात करें अगर तो ये 1599 इसका ओरिजिनल प्राइस है, आई वॉन्ट इट फॉर अराउंड 380 और 350 समथिंग, और बहुत ही प्यारा सेल्फ डिजाइन सा स्वेटर है ये। मैं बहुत डाइसी थी, इसके दो कलर्स थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लू या न लू, बहुत ऑड तो नहीं लगेगा बिकॉज ऐसे जो बीच बीच में डिस्ट्रेस पैटर्न है, बट फाइनली मैंने ले लिया बिकॉज ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा था, एंड ये बहुत अच्छा स्वेटर आया है, इसमें वी नेक मिल जाता है आपको से रिप पैटर्न में, एंड साइड में ना आपको ऐसे ये जो पैनलिंग होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि काइंड ऑफ अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ ना तो ऐसे उल्टा स्वेटर नहीं होता वैसा वाला लुक देता है, मुझे काफी अच्छे लगते हैं ये वाले लुक। मैं ना जैकेट में भी एक मैंने लिया था लास्ट ईयर, मुझे अच्छा लगा था वो लुक काफी, पूरे स्लीव्स में भी आपको डिस्ट्रेस्ड वाला पैटर्न मिल जाता है और आगे आपको ये पैनलिंग सी मिल जाती है, मतलब लेंथ इसका ओके है, बहुत लंबा नहीं है बिकॉज इसमें क्रॉप जैसा लुक दे रहा था ये, एंड थोड़ा सा बॉक्सी जैसा लुक दे रहा था अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो, नीचे आपको ऐसे रिप्ड पैटर्न मिल जाएगा और वही पैनलिंग मिल जाएगी, अगर नीचे रिप्ड है एंड स्वेटर अगर आपको लूज हो रहा है तो बहुत अच्छा सा बॉक्सी लुक दे देता है, विच आई रियली लाइक, आप जीन्स वगैरह के ऊपर आराम से पहन सकते हैं। सो ओवरऑल जो इसका नेक है एंड देन जो ये पाइपलाइन वाला पैटर्न है कि काफी अच्छा डिफरेंट लुक दे रहा था, प्लस ये मुझे 400 के अंडर मिला तो मैं तो डेफिनेटली खुशी थी बिकॉज कलर इज माय फेवरेट। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं या अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये कलर मेरा फेवरेट है, मैं डेफिनेटली बाय करती हूँ जब भी मुझे इसकी कोई अच्छा आइटम मिल जाता है, एंड आई रियली लाइक दिस वन टू। सो आपको अगर अच्छा लगते हैं ना ऐसे डिस्ट्रेस वाले पैटर्न तो आप पक्का बाय कर सकते हैं इसको, बिकॉज क्वालिटी इज गुड, थोड़ा थिक भी है तो ठंड वगैरह अच्छे से रोक लेगा। उसके बाद जो मेरा लास्ट स्वेटर है वो मैं बोलूंगी कि मेरे वार्डरोब में नया कलर ऐड हुआ है, मैंने इस कलर का स्वेटर नहीं लिया है, इसका जो प्राइस है वो 2199 एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 406 रुपीज। बहुत अच्छा स्वेटर है ये, लेट मी टेल यू, अगर आपको 600 का भी मिल रहा है ना तो, या मुझे भी मिल रहा था ना, मैं ले लेती बिकॉज बहुत मोटा अच्छा सा नेटवेयर वाला लुक दे रहा है। जो मेन इसकी सबसे अच्छी बात है, मैंने सबसे पहले बता देती हूँ कि एक्सल साइज में लिया है, बट जो मेन इसकी सबसे अच्छी बात है ना कि एक तो ये ऐसे कलर ब्लॉकिंग पैटर्न में आपको ये ब्राउन एंड नेवी ब्लू में मिल जाता है, एंड देन आपको ब्लैक स्लीव्स मिल जाती है, एंड बीच में ना इन्होंने ऐसा एकदम स्टिचिंग सा बहुत ही अच्छा वुलन स्टिचिंग सा व्हाइट कलर का पूरा पैटर्न दिया है, लाइक मुझे इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको जब देखा था ना मैंने तब भी ऐड कर लिया था अपने कार्ट में और ये मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया था। तीनों कलर्स इसमें कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, राउंड नेक मिल जाता है, पीछे आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा, काफी मोटा है, लाइक मुझे तो ट्राई ऑन करने में भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ठंड पड़ नहीं रही है तो ये ट्राई ऑन करने में तो मेरी लगने वाली है वॉट,
बट अगर मैं स्वेटर की बात करूं और आप अगर बहुत ठंड वाले एरिया जहां पे लाइक मेरे होम टाउन वगैरह में ठंड पड़ने लगी तो वहां के लिए तो परफेक्ट है ये कलर एंड ऑल एंड स्टाइल इज प्रिटी गुड एंड नया लगा मुझे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ इट्स स्लीव्स थोड़ी सी ना ड्रॉप स्लीव्स वाला पैटर्न दे रहा है जैसे शर्ट का पैटर्न ना वैसे ही लुक दे रहा है ड्रॉप स्लीव्स का एंड ऐसे लुक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं और जो ये ड्रॉप स्लीव्स रहती है ना बहुत अच्छा सा लूजी सा लुक देता है मुझे काफी अच्छे लगते हैं लुक्स ओवरसाइज से बॉक्सी से लुक्स 400 में यार क्या ही मिलता है बहुत अच्छा है उस वाइज या गाइस ये था मेरा स्वेटर्स का हॉल और आई होप सो आपको सारे स्वेटर्स पसंद आए और लिंक वगैरह सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी इनफैक्ट मैं आपको साइजेस भी जो मैंने लिए हैं वो आपको वीडियो में भी मिल जाएगा एंड नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एंड आप अगर किसी और चीज का हॉल चाहते हैं या कोई और चीज का रिव्यू चाहते हैं ना तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं मैं डेफिनेटली उसको इंक्लूड कर लूंगी अपने अपकमिंग वीडियोज में एंड आपका कौन सा फेवरेट इसमें से स्वेटर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलेगा सो या गाइस बाय बाय।